हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। इस वीडियो को देखने के बाद या तो आप Redmi का फोन यूज करना छोड़ देंगे या फिर आपके Redmi फोन के अंदर सारे एड्स, सारी परेशानी, सारी स्पैम ऐप्स बंद हो जाएंगी और उसके बाद आप मुझे थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर अपना ओपिनियन जरूर दे देना, या फिर कम से कम इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना ताकि और लोगों का भी भला हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूँ आपको टोटल मिला के 20 ऐसी टिप्स जिसके थ्रू आप अपने Redmi फोन को बिल्कुल क्लीन बना सकते हैं, एड से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। पहली सेटिंग दोस्तों यहां पे प्राइवेसी से रिलेटेड है, जो कि आपको डिसेबल कर दिए। आपको सेटिंग्स में जाना है और फिर आपको ढूंढना है यहां पे एडिशनल सेटिंग्स। उसके अंदर आपको यहां पे मिलेगा प्राइवेसी। उसके अंदर नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको यूज़र एक्सपीरियंस एंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों ऑप्शंस को आपको डिसेबल करना है और इन दोनों ऑप्शंस को डिसेबल करने के बाद आपको ऐड सर्विसेज में जाना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को भी डिसेबल कर देना है। दोस्तों Xiaomi के ज़्यादातर फोन्स में आपको सिक्योरिटी नाम की एक ऐप मिलती है जो कि ये है, और ये भी आपका डेटा कलेक्ट करती है रिकमेंडेशंस के नाम पे। ये आपका डेटा कलेक्ट करके Xiaomi को भेजती है। तो आपको इस ऐप के अंदर जाके एक ऑप्शन को डिसेबल करना है। यहाँ पे आपको ऐप को खोलना है, फिर उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिल जाता है रिसीव रिकमेंडेशन, जिसको आपको डिसेबल कर देना है। इसके बाद आपको इसी ऐप की सेटिंग्स में एक जगह और जाना है जो है डेटा यूसेज, और डेटा यूसेज के अंदर आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि ये है रिपोर्ट डेटा यूसेज इन्फो, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है Xiaomi के पास जाती है, आपको इसको भी डिसेबल करना है। दोस्तों Xiaomi के फ़ोन्स में जो ऐप सबसे ज़्यादा आपका डेटा कलेक्ट करती है वो है Xiaomi का मी ब्राउज़र, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है और इसका आइकन कुछ इस तरह का होता है। ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होता है सभी Redmi फ़ोन्स में, तो आपको इस ब्राउज़र को भी पूरी तरह से डिसेबल करना है। इसके लिए आपको इसके ब्राउज़र की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसके अंदर जाके आपको पर्सनलाइज सर्विसेज डिसेबल करनी है और ऑथराइजेशन रिवोक करना है। इसके बाद ये ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं रह पाएगा और इसके लिए एक टाइमर चलेगा, आपको उस टाइमर का वेट करना है और उसके बाद रिवोक एक्सेस करना है। जब भी आप ऐसा करते हैं तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्विट हो जाता है। अब इसके बाद आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपने Xiaomi के फ़ोन पे चेंज कर लेना है। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है ऐप्स में, फिर जाना है मैनेज ऐप्स में और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, फिर जाना है डिफ़ॉल्ट ऐप्स में और इसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आपको गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर लेना है और फिर आपको मी ब्राउज़र परेशान नहीं कर पाएगा। Redmi के फ़ोन्स में आपको तरह तरह के एड्स पुश किए जाते हैं और उसका एक एग्जांपल ये भी है कि यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम को बना दिया है, यानी कि कोई भी लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल क्रोम ही खुलेगा और मी ब्राउज़र नहीं आएगा। लेकिन इस केस में अगर आप स्वाइप अप करते हैं कुछ इस तरह से तो ये सर्च के नाम पे मी ब्राउज़र को लॉन्च करते हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे ये ब्राउज़र दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको पूरी तरह से डिसेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में दोबारा जाना है और फिर जाना है होम स्क्रीन में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इसको और डिसेबल करने के लिए, तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे अनचेक कर देना है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जब आप लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो उस केस में आपको ये सारे आइकन दिख जाते हैं, ये सारे ऐप्स दिख जाते हैं, कुछ ऐड दिख जाते हैं जो कि Xiaomi आपको पुश करता है। तो इनको अगर आपको डिसेबल करना है तो उसके लिए भी आपको होम स्क्रीन की सेटिंग में जाना है। यहाँ इस सेटिंग में जाके आपको ऐप वॉल्ट भी डिसेबल कर देना है और ऐसा करने पर आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ऐप वॉल्ट जो बेसिकली साइड में आ रहा था वो हट जाएगा और स्वाइप अप करने पर भी मी ब्राउज़र नहीं खुलेगा। अब आप गूगल क्रोम को लॉन्च करके अपनी सर्च कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो कि आपको होम स्क्रीन की सेटिंग्स में मिलेगा और वो है शो सजेशंस, तो आपको इसको भी यहाँ पर डिसेबल करना है। बहुत सारे तरीक़ों से Xiaomi जो है आपसे डेटा कलेक्ट करता है, इसीलिए इतना सब कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आगे की टिप्स देखते रहिए। Xiaomi के फ़ोन्स को ब्लॉटवेयर से भरपूर यूं ही नहीं कहते हैं,
ऐसे में इन्होंने बहुत सारे तरीके निकाल रखे हैं आपको ऐड पुश करने के लिए। और उसका एक तरीका ये भी है कि जब आप रीसेंट ऐप्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तरह तरह की ऐप्स जो चल रही हैं वो मिलती हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको सजेशन भी देखने को मिलते हैं जैसे आप फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे आपको ऐड दिखे तो उसके लिए आपको अगेन सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाना है और शो सजेशंस को यहाँ पे डिसेबल कर देना है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि Xiaomi आपको तरह तरह की ऐप्स रिकमेंड करता रहता है और वो बेसिकली सेटिंग आप डिसेबल कर सकते हैं ताकि आपको आलतू फालतू की ऐप्स रिकमेंडेशन में ना दिखें। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है आपको ऐप्स में, फिर जाना है मैनेज ऐप्स में और इसके अंदर आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में फिर जाना है और यहाँ पर आपको रिकमेंडेशंस को ऑफ करना है ताकि आपको फालतू की ऐप्स ना दिखें और साथ ही साथ जो प्री इंस्टॉल्ड ब्लॉटवेयर है उसके अपडेट्स भी आपको ना दिखें, उसके लिए आपको इस ऑप्शन को भी डिसेबल करना है। दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके Xiaomi के फ़ोन में अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर वॉलपेपर आते रहते हैं एंड इन वॉलपेपर्स के अंदर एक चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी कि आपको छोटे छोटे लिंक्स यहाँ मिल जाते हैं जो कि स्टोरीज़ के लिंक होते हैं। ये चाहे पोल हो सकता है या कोई स्टोरी हो सकती है, ये भी एक तरह का ऐड नेटवर्क है जो कि Xiaomi के फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है और आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है। आप इसे भी जाके डिसेबल कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाइए, लॉक स्क्रीन में जाइए और फिर यहाँ पे आपको मिलता है ग्लांस, इसको आप इस तरह से डिसेबल कर सकते हैं कम्प्लीटली। आप लोग गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन Xiaomi आपको ऐड देता देता थकेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आपके Xiaomi के फ़ोन में ऑलमोस्ट हर फ़ोन की हर ऐप में एक सेटिंग होती है जिसके थ्रू आपको वो ऐड पुश करते हैं और वो थीम में भी होती है, सिक्योरिटी में भी होती है। तो आप थीम्स की एप्लीकेशन में जाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे माई पेज में जाइए, फिर उसके बाद सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन का ऑप्शन मिल जाता है, आपको ये भी डिसेबल करना है ताकि आपको ऐड ना दिखें और Xiaomi आपका डेटा कलेक्ट ना करे। दोस्तों आपने कभी नोटिस किया होगा कि गैलरी के अंदर जब आप कोई वीडियो प्ले करते हैं वो भी फ़ोन का वीडियो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाला वीडियो प्ले कर देता हूँ और इस वीडियो को प्ले होने के बाद आप देखिएगा कि एक ऐड मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मी वीडियो एप्लीकेशन के थ्रू आता है। कुछ इस तरह से मेरे को अलग अलग तरह के वीडियो के एड्स मिल रहे हैं, मैं ये नहीं देखना चाहता हूँ। तो ऐसे में इसको डिसेबल करने का भी एक तरीका है, उसके लिए आपको जाना है अपने फ़ोन की मी वीडियो की ऐप में, मी वीडियो की ऐप में आपको जाके फिर जाना है यहाँ पे प्रोफाइल में, फिर जाना है सेटिंग्स में और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को आपको डिसेबल कर देना है जो कि ऑनलाइन रिकमेंडेशन एंड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन है। अगर आप ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कमाल की बात ये है कि ये फ़ीचर अपने आप 90 डेज़ के बाद दोबारा अनेबल हो जाते हैं। अब दुनिया का ये पहला फ़ोन है जिसके अंदर ऐसा होता है जो कि आपको एक फ़ीचर आपको नहीं चाहिए लेकिन वो अपने आप ही 90 डेज़ के बाद उस फीचर को अनेबल कर देते हैं। ये कमाल की बात है जो कि Xiaomi के फ़ोन में ही होता है, ऐसा मैंने पहले और कहीं नहीं देखा है। तो मुद्दे की बात यह है कि Xiaomi आपका डेटा हर तरीके से कलेक्ट करता है, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, वो आपका डेटा लेके ही रहेंगे। दोस्तों एक और Xiaomi फ़ोन के अंदर जो ऐप आती है जो कि आपका डेटा कलेक्ट करती है वो है म्यूज़िक की डिफ़ॉल्ट ऐप। ये डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर आपको सेटिंग्स में जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स में और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ़ करना है, साथ साथ शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन को ऑफ़ करना है और सॉन्ग रिकमेंडेशन को भी ऑफ़ करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं सिर्फ ऐप के अंदर नहीं होंगी, आपको नोटिफिकेशन भी आएंगी। तो अगर आप चाहते नहीं हैं कि ये सब हो तो आप इनको डिसेबल कर सकते हैं। अगली ऐप है यहाँ पे क्लीनर ऐप जिसके अंदर आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो आपको क्लीनर ऐप में जाना है, फिर इसकी सेटिंग्स में यहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा रिसीव रिकमेंडेशन, यहाँ पे भी इसको भी आपको डिसेबल करना है ताकि आपका डेटा कलेक्ट ना हो इस ऐप के थ्रू Xiaomi के फ़ोन पे। और इसके बाद आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप इसका ये ऑप्शन अपडेट ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये ऐप अपडेट होगी तो रिसीव रिकमेंडेशन अपने आप अनेबल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन को भी डिसेबल करना है ताकि ये ऐप अपडेट ना हो पाए। दोस्तों आपको कभी कभी लगता होगा कि Xiaomi अपने फ़ोन में ज़्यादातर यूज़फुल ऐप्स आपको इंस्टॉल करके देता है,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, हमेशा हेल्प तो करना ही चाहते हैं, साथ साथ आपका डेटा भी लेना चाहते हैं ताकि वो उसके अराउंड कुछ ना कुछ कर सकें। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर की ऐप में आपको जाना है, फिर इसके बाद आपको जाना है इस ऐप की सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि किस तरह से ये लोग अबाउट के अंदर भी रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन रखते हैं, यानी कि यहाँ पे एक तरह से आप एग्री कर रहे हैं कि आपको ऐड दिखाए जाएंगे, यहाँ पे जो डेटा यूज़ किया जा रहा है उसको यूज़ करके आपको हो सकता है कि कोई फाइल मैनेजर ऐप का ऐड दिखाया जाए इसी फ़ोन पे। और दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको ऐप्स Xiaomi के फ़ोन में परेशान करती हैं तो मैं आपको एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको नॉर्मली ऐप्स नोटिफिकेशन भेजेंगी कुछ इस तरह से, तो जो भी ऐप्स आपको लगता है कि नोटिफिकेशन भेज रही हैं और आपको वो ऐप्स की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, तो आप कुछ इस तरह से उसको लेफ्ट स्वाइप करिए, सेटिंग्स में जाइए और उन ऐप्स की नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दीजिए, और ऐसा करने पर वो ऐप्स आपको नोटिफिकेशंस नहीं भेज पाएंगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना कि आपको ये सब पता चल चुका है कि Xiaomi क्या कुछ करता है अपने फोन पे डेटा ट्रैक करने के लिए। क्या आपको लगता है कि आप नेक्स्ट फोन जब खरीदोगे तो वो भी Xiaomi का होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ये जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल जो इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी और जितने भी Xiaomi के यूजर्स हैं उन सब तक पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।